आज आपका जोश, आपका उत्साह, आपकी एक्साइटमेंट, और पिछले 9 दिन के अंदर आप सब लोगों ने जो चमत्कार करके दिखा दिया ना दोस्तों, एक बार फिर कायल हो गए आप सबके। ये सेब शॉप की धरती सर जो आपने बनाई है ना, ये इतनी उपजाऊ है कि इसकी फसल से पूरे हिंदुस्तान के घर की रोटी चल सकती है। और हम सब लोग इसके गवाह हैं, क्योंकि हम सब लोगों ने अपनी जिंदगी का सफर वहां से शुरू किया था जहां सिर्फ सपने थे, जेबें खाली थी, और आज हजारों की तादाद में लोग ना के सिर्फ अपनी जरूरतें, अपने सपने, वो सपने जो हमने देखे थे वो तो पूरे हुए ही, और सेब शॉप में आने के बाद जो सपने आपने दिखाए आज वो भी पूरे होते चले जा रहे हैं। और इंशाल्लाह कितने सपने पूरे होंगे और कहां कहां तक पहुंचेंगे अभी यहां से आज बहुत दिखना शुरू हो गया। पता नहीं आज दिन के अंदर कुछ खास है। पहले गुरुजी आए, उन्होंने बोला कि 19 साल के अंदर जो आप लोगों ने किया 2020 में आप उससे भी ज्यादा करोगे। उनको तो हमारे बिजनेस के बारे में नहीं पता था ना, उनको नहीं पता था, लेकिन उनके मुंह से बात निकल गई, मतलब निकल गई। फिर रजत सर ने भी बोल दिया कि जितना बिजनेस हमने 2019 में किया उतना ही हम 2020 में करेंगे। और मेरा मन तो ये बोलता है कि सर जितना 19 साल में किया ना उससे 10 गुना सिर्फ 2020 में करेंगे, सिर्फ 2020 में। सिद्धार्थ सर ने भी आपको बताया, और ये जो स्लाइड वाला प्लान है ना, ये 99% लोगों को समझ ही नहीं आता है। ऐसा है ना, वो जब तक हम कागज पेन पकड़ते नहीं है और सामने वाले की धड़कन नहीं पकड़ लेते ना, तब तक बात ही नहीं बनती है। तो वो धड़कन कैसे पकड़नी है ये तब समझ आएगी जब हम अपने मन में अच्छे से समझ लेंगे, दिमाग से समझ लेंगे। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अपने अप्लायंस के साथ बैठिएगा, मैं कोशिश करूंगा जरा आपको बारीकियों से बताने की, लेकिन जब तक आप अपने अप्लायंस के साथ बैठ के, अपने डायमंड लीडर्स के साथ बैठ के अच्छे से समझ नहीं लेंगे, तब तक नेक्स्ट स्टेप पे मत चलिएगा, आगे समझाना मत कोशिश कीजिए। क्योंकि अब जो सर ने इसका नाम दिया है बाप ऑफ ऑल प्लान्स, डे वन से मैं सर जो चेंजेस कर रहे थे उसके अंदर कभी कभी मीटिंग में बुला लेते थे, इसमें इन्वॉल्व रहा। क्यों इसका नाम बाप ऑफ ऑल प्लान्स रखा गया ना, क्योंकि इसके अंदर नीचे से नीचे फ्रेशर के लिए और ऊपर से ऊपर कैपिंग अचीवर्स, ऐसे भी कैपिंग अचीवर्स है हमारे पास, एक एक दो दो तीन तीन आईडी से कैपिंग लेके बैठे हैं, और अभी बोलते हैं सर को और क्या है सर हमारे लिए, कुछ और भी दे दो। तो डिमांड हर तरीके से आती है, ऊपर से ऊपर जो लोग बैठे हैं कैपिंग अचीवर्स उनकी तरफ से भी डिमांड आती है, और जो लोग फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो जाके देखते हैं, हर तरह के सेगमेंट के लोग हैं, अलग तरह की वैरायटी के प्रोडक्ट्स लोगों को चाहिए, वो भी आके अपने फीडबैक्स देते हैं। और जब इस नए प्लान को डिजाइन किया जा रहा था तो हर किसी का ध्यान रखा गया, लोअर से लोअर सेगमेंट और अपर से हाईएस्ट सेगमेंट तक का ध्यान रखा गया कि हर किसी के बेनिफिट का। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या खास चीजें इस प्लान के अंदर हुई। पहली बात, इतने सारे प्रोडक्ट्स जो आज आपके सामने लॉन्च हुए एक के बाद एक, तो वैसे मैं भी यहां बैठ के देख रहा था, मुझे लग रहा था ये गया ये आया, अब जैकेट आ गई, टी शर्ट आ गई, जीन्स आ गई, साबुन आ गया, मल्टीविटामिन आ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कब सिर्फ आ गया, मतलब अगर आप कहीं काउंसलिंग करते करते थक गए तो कब सिर्फ भी अपना ही है। तो वो वाले दिन याद कर रहा था मैं, जब हम संघर्ष किया करते थे तो हम अपनी जेब में ग्लाइकोडिन की डब्बी लेके, ग्लाइकोडिन की शीशी लेके चला करते थे कि अगर कहीं गला खराब हो गया शाम को 6 बजे तक ग्लाइकोडिन की जरूरत पड़ जाती थी। अब वो भी किसी और कंपनी की नहीं चाहिए, अपनी है। और मजे की बात यह है कि जब अपनी ग्लाइकोडिन पियोगे, मतलब जब अपना कफ सिरप पियोगे, उस पर भी पैसे कमाओगे। वो कैसे है हम ये मैं बताने जा रहा हूं। अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट थे हमारे पास, कोई उसे किसी नाम से बुलाता था, कोई 200 बीवी, कोई 400 बीवी, बीवी मतलब 400 बीवी मतलब समझ रहे हो ना, कौन सी बीवी। लोग बोल रहे सर एक झेलनी मुश्किल, आप कह रहे हो 400 बीवी, 200 बीवी, 100 बीवी। तो बीवी मतलब नहीं समझ आ रहा, बोले बीवी मतलब जो डांटती है, बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम। आज के बाद हमारा पूरा बिजनेस सर ने जो चेंज कर दिया वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर चेंज कर दिया। बिजनेस वॉल्यूम मतलब आपने एक प्रोडक्ट अगर किसी को सेल किया, मेरे पास अभी पूरी डिटेल्स के साथ तो मैं आपको यहां नहीं बता सकता, ब्रोशर कैटलॉग्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहां पर, अगर आपने एक भी प्रोडक्ट किसी को दिया जिसकी बिजनेस वैल्यू 1 है, तो
तो आपको उसके ऊपर भी इंसेंटिव मिल जाएगा, जिसका बीवी वन है उसके ऊपर भी वो भी आपके इनकम के अंदर काउंट हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि एक आदमी जो एक सोप लेता है, जो एक कफ सिरप लेता है और उसको हमारा प्रोडक्ट पसंद आता है, तो वो उस सोप के साथ भी हमारे बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो जब ये खबर पहली बार मेरे पास आई तो मेरा दूसरा सवाल यह था कि सर अगर वो सोप से भी बिजनेस शुरू करता है तो कैपिंग बोले वही 2 लाख की कैपिंग होगी। तो किसी के सपनों के सामने उसकी बैकग्राउंड, उसकी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसके सपने बड़े हैं तो सेफ शॉप उसको एक छोटे से प्रोडक्ट के साथ भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि चल भैया तू बिजनेस में आ जा। तो मैं उस दिन ये बात सुनने के बाद सर के रूम से बाहर निकला, मैं देख रहा था मीटिंग में हजारों की तादाद में लोग आते हैं, हजारों लाखों की तादाद में। ऐसा होता है ना, अगर मैं संडे को कैलकुलेट करूं कि कितने लोग पूरे हिंदुस्तान में सेफ शॉप का बिजनेस प्लान देखते हैं तो कितने देखते होंगे, लाखों की तादाद में। कुछ को समझ आता है, कुछ को समझ नहीं आता है, कुछ यस करते हैं और कुछ। लेकिन अब उसको अगर आप ध्यान से सोच के देखें, एक सोप खरीदने से, एक टूथपेस्ट खरीदने से, एक कफ सिरप खरीदने से अगर वो बिजनेस शुरू कर सकता है तो अब कौन बाहर जाएगा? बताओ बताओ अब कौन बाहर जाएगा? तो ऐसे बड़े सारे लीडर्स मैं देखता हूं जो कुछ संघर्ष कर रहे हैं, बोलते हैं सर 10 लोग भी मुझे मिल गए ना काम करने वाले, कसम से आसमान का सीना फाड़ दूंगा। अरे 10 लोग छोड़ो, रोड पे हर चलता हुआ आदमी आपकी टीम का डायरेक्ट सेलर होगा, हर चलता हुआ आदमी, कोई बात नहीं होगा। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लाइन में चलो, लाइन जिससे मिलोगे वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। कोई डायरेक्ट, कोई उसके अंदर नहीं लिमिटेशन है। मिनिमम से मिनिमम किसी भी अमाउंट के साथ आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। कैपिंग सबके लिए सेम है। और सर ने बता दिया बाप आओ। अब ये बाप का मतलब क्या है? बाप का मतलब ये है, कोई आके बोलता है कि सर आपकी तो 2 लाख की कैपिंग है, हमारे यहां तो देखो 11 साल काम करने के बाद, 5 साल काम करने के बाद एक आदमी का 1 करोड़ का चेक बन गया, 1 करोड़ का, लेकिन 1 हफ्ते। लेकिन सेफ शॉप ने बता दिया, सर ने आपके सामने स्लाइड क्या बोल रही थी, कितने पैसे कमा सकते हो 1 हफ्ते में, कितने? अच्छा तो दिल्ली में तो 4 सप्ताह होते हैं, जहां से आप आए हो वहां कितने सप्ताह होते हैं महीने में? वहां भी 4 होते हैं। अच्छा दिल्ली में तो साल में 52 सप्ताह होते हैं, वहां कितने होते हैं? वहां भी 52 होते हैं। तो अगर 13 लाख पर वीक है तो 1 महीने के कितने हो गए? और 52 हफ्ते, सर 5 साल काम करने के बाद 80-90 लाख का चेक बनाए, बोला साल के 6.5 करोड़, 7.5 करोड़, 6.76 करोड़ रुपए बनेगा। और आपका तो पता नहीं। मैं तो आलिया भाई 1 साल नहीं लगाऊंगा, कसम से 1 साल नहीं लगेगा। पूरी प्लानिंग दिमाग में तैयार है, सब कुछ है, पर खच्चे उड़ा देंगे। एक एक टूथपेस्ट बताओ कितने लोगों को दे सकते हो, टूथपेस्ट बताओ। अच्छा कितने लोगों को जानते हो जो सुबह ब्रश करते हैं, बताओ। अच्छा कितने लोगों को जानते हो जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, बताओ। अच्छा कितने लोगों को जानते हो जो कफ सिरप पीते हैं, बताओ। और बाकी मल्टीविटामिन तो हम खिला देंगे, समझाएंगे भी तो सही। वो डॉक्टर मैडम बता रही थी वीडियो में, उनका वीडियो दिखा देंगे और 3 बार ही दिखाएंगे, चौथी बार तो सेफ शॉप अपना एडवाइजर अपना ही वीडियो बना के दिखा देंगे। तो बाप ऑफ ऑल प्लान है, क्या है? बाप ऑफ ऑल प्लान। और इतना टाइम नहीं है, थोड़े से मैं ही समझा रहा हूं क्योंकि आपकी सेल नहीं निकालनी मेरे को, है ना, आपकी सेल नहीं निकालनी, इसलिए थोड़े से मैं ही समझा रहा हूं कि इस बात को समझिए, वी कैन स्टार्ट बिजनेस इवन आफ्टर सेलिंग अ टूथपेस्ट और अ सोप और एनी प्रोडक्ट ऑफ सेफ शॉप, एंड वी हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी। वो हर मेरा गरीब भाई
इस बिजनेस को शुरू कर सकता है और उसी लेवल तक जा सकता है जो किसी अमीर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हर किसी के लिए इन्होंने पूरा का पूरा बिजनेस सिस्टम सेम कर दिया, कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे उसके पास कम पैसे हैं या उसके पास ज्यादा पैसे हैं। मोटरसाइकिल लेके निकलोगे ना शहर में, मोटरसाइकिल कार लेके निकलोगे, हर आदमी सेफ शॉप एडवाइजर दिखेगा, हर आदमी, कोई बाहर नहीं है। अपना स्कोप देखते चलो। आज से कुछ साल पहले बोलते थे बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा, 150 करोड़ है, मतलब 130-132 करोड़ तो ऑन अकाउंट है सरकार की गिनती में, और 18 तो वैसे ही होंगे बिना आधार कार्ड वाले भी, है ना। तो 150 करोड़ है, मुझे लगता था कभी खत्म नहीं होंगे। आपने जो बाप ऑफ ऑल प्लान लॉन्च कर दिया, मुझे लगता है सर 2020 में 150 करोड़ खत्म हो जाएंगे। अब आप विदेशों की तैयारी शुरू करो, अब आप अलग अलग कंट्रीज के लाइसेंस लेने की शुरू करो, नहीं तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे थोड़े दिनों में, हमें दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। और जब ये बात हो रही थी तो सर ने बोला आज का जो हमारा इवेंट चल रहा था 150 से ज्यादा देशों में लाइव टेलीकास्ट करा दी उसकी। आज लोगों के कान में तो पड़ गया कि सेफ शॉप कुछ है विदेशों में, सेफ शॉप कुछ है, पड़ गया ना कान में, बाकी हम बता देंगे क्या है, हमारा तो काम ही यही है। तो बस ध्यान से समझते चलिए कि धीरे धीरे बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, आगे बहुत सारा प्रोग्राम कंटिन्यू होना है। आपको इतनी सी बात बता रहा हूं, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल पार्ट। और एक चीज और बता दूं, कोई प्रोडक्ट 70 BV का है, बीवी मतलब हाँ, क्योंकि ये शब्द आते ही डर लगता है मेरे को। एक प्रोडक्ट 70 BV का है, दूसरा प्रोडक्ट 30 BV का है। मैंने एक साइड के एक कस्टमर को 30 BV का प्रोडक्ट दिया, दूसरी तरफ 70 BV का प्रोडक्ट दिया, 30 इधर से और 30 इधर से, मैचिंग कितनी हो गई। एक बिजनेस वॉल्यूम कितने का है, 2.5, तो 60 × 2.5 कितने का चेक बना, 50 है, क्योंकि एक कंडीशन है कि 250 रुपए से बाद चेक जाएगा, लेकिन अगर आपका पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की फैसिलिटी आपने ली हुई है तो अगले दिन आपका वो पैसा बाय NEFT आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, चाहे वो 1 रुपया भी हो। सर आपसे परमिशन चाहिए, अगर किसी ने NEFT लिया, ECS लिया हुआ, तो 1 रुपया भी है हम ट्रांसफर करेंगे। एक बार वहां से खड़े होकर बोल दो, ऐसे करके दिखा दो, 1 रुपया भी होगा तो हम ट्रांसफर कर देंगे। देश बदल रहा है, मोदी जी देश को बदल रहे हैं और हम भी साथ साथ बदल देंगे। सर ने बोला है 3 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास, अब एक बात ध्यान से समझ लेना ये वाली, ये भी आपको बता रहा हूं, अब जब इतने भारी भरकम तरीके से सेल्स आएंगी आपके पास तो कितनी ईमेल्स भेजोगे, और बेचारे स्टाफ में 150-200 लोग ही हैं, कितनी ईमेल्स रखेंगे। जल्दी से जल्दी अपना पूरा बिजनेस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे ले आइए, कैश ट्रांजैक्शंस बंद कर दीजिए। सर से प्लानिंग हो रही थी, आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे भी पैसा ट्रांसफर करेंगे, बुधवार रात को हम उसको क्लोज करेंगे, आधे घंटे के बाद आपका पे आउट आ जाएगा और विद इन 2 to 3 days आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर TDS कार्ड के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ज्यादा वक्त ना, ज्यादा लफड़ा ना, ज्यादा कोरियर, और हल्ला ही हल्ला होगा पूरे हिंदुस्तान में, हल्ला ही हल्ला होगा। जरा बता लो सर को, होगा कि नहीं होगा, जरा बता लो सर को, कितना हल्ला होगा ये भी बता दो, ऊपर वालों बैठे के हो रहे, बता दो बता दो, एक बार खड़े होकर बता दो सही क्या होने वाला। रिस्पॉन्स आपके सामने है, और अभी सर ने बोली एक कमिटमेंट और करके गए हैं सिद्धार्थ सर, सिद्धार्थ सर ने एक कमिटमेंट और करी है कि ये प्लानिंग शुरू तो हुई है लोगों की इनकम के बारे में, खत्म नहीं हुई है, दे आर स्टिल ओपन, और जो सब लीडर्स की डिमांड थी उसके ऊपर अभी भी सोच रहे हैं और जल्दी कुछ नया लेकर आएंगे। ये आश्वासन, ये प्रॉमिस भी हमारे पास है, वी आर सो हैप्पी। I will not take much time, आपसे विदा लेना चाहूंगा, और एक बात कहना चाहूंगा, गला मेरा बैठ गया है लेकिन फिर भी बोलूंगा,
यहां अवेलेबल हूं, 24 घंटे अवेलेबल हूं, फिर भी समझ ना हो तो 24 घंटे